हेलो दोस्तों, कैसे हो आप से लोग। दोस्तों आज मैं और मेरे चाचा जा रहे हैं मेरे गांव में। और दोस्तों आपने पिछले व्लॉग में थोड़ा बहुत तो मेरा गांव देख लिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा गांव दिखाने वाला हूं। तो पूरा गांव देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं सुबह सुबह। यहाँ पर देखिए मैं टेरिस पे आया हुआ हूँ। और दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है राजकोट सिटी में। आपके सिटी का क्या हाल है मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों ठंडे ठंडे पवन चल रहे हैं और यहाँ पर ठंडी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम निकलेंगे अभी और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा रास्ते में क्या क्या मिलता है। और गांव भी मैं पूरा आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। यहाँ पर हमने पेट्रोल पंप के पास रिक्शा रुकी है, क्योंकि रिक्शे में गैस डलवा के हम आगे जाएंगे, क्योंकि गांव थोड़ा सा दूर है। लेकिन हम यहाँ पर गैस फुल करवा लेते हैं। यहाँ पर ये भाई रिक्शे में गैस डाल रहा है अभी, और डालने के बाद हम आगे जाएंगे। दोस्तों आज हमारा गांव में पहला दिन है। और दोस्तों मैं सुबह सुबह उठ गया हूं, अभी 7 बजे है सुबह के। और राजकोट में जब मैं रहता हूं तो 5:30 बजे उठ जाता हूं, क्योंकि मुझे कॉलेज वॉलेज जाना होता है। तो यहां पर ऑटोमेटिक मेरी नींद खुल गई। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। और दोस्तों आज के दिन क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो आपने पहले व्लॉग में देखा था कि वहाँ पर मंदिर बन रहा था, हम सब लोग काम कर रहे थे। तो दोस्तों मंदिर बन रहा है, उसके काम में मेरे को जाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट मंदिर बन चुका है, आधा बना है। अभी मैं आपको आज के व्लॉग में दिखा दूंगा आज के दिन के वहाँ पर कितना मंदिर बना है और क्या वहाँ पर काम बाकी है। अरे यहाँ पे दोस्तों लाइट भी लगाई हुई है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो जंगली जानवर आते हैं वो खेत को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं रात को लाइट दिखाऊँगा आपको कैसी लाइट यहाँ पर होती है। यहाँ पर पूरी लाइट ये जो होती है इस यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरी तरीके से यहाँ पर लाइट होती है। तो इस सारी लाइट रात को अच्छी तरीके से देखेंगे, रात को मैं दिखाऊंगा। आज रात में थक गया था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी तो हम 4-5 दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वैसे अभी मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली नहीं है, इसलिए मैं गांव पर आगे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर सिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर गाँव में कभी कभी आता रहता हूँ, और आता हूँ तो यहाँ पर मैं ज़्यादा रुकता हूँ, 5-6 दिन ही रुक जाता हूँ। तो दोस्तों वैसे एग्ज़ाम मेरी अभी बाकी है, जनवरी में एग्ज़ाम आने वाली है। तो अभी मैं आ चुका हूं और बाद में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दोस्तों यह है मेरे गांव की स्कूल, और अभी मैं यहां पर सुबह सुबह आया हूं, इसलिए यहां पर ताला लगाया हुआ है। दोस्तों यहां पर पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई मैंने यहीं पर कंप्लीट की है, और इसे देखकर काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी ये आप रुक्स जो यहाँ पर देख रहे हो, ट्रीज़, वो ट्रीज़ में छोटे छोटे थे तब हमें दिए गए थे कि यहाँ पर आपको देखभाल करनी है। यहाँ पर अभी ये बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर ये लाइट लगाई गई है। आपको शायद पूरी तरीके से ना दिखाई दे रही हो, लेकिन यहाँ पर रात को बहुत ही बढ़िया ये दिखाई दे रही है। और ये पूरी तरीके से लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जानवर जो है वो आकर यहाँ पर खेत को ख़राब ना कर दे, इसलिए लगाई गई है। तो यहाँ पर ये बढ़िया मुझे दिख रही है, आपको कैसी दिख रही है मुझे पता नहीं। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है शानदार, और दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ माता जी के मंदिर पे।
क्योंकि दोस्तों वहाँ पर सब लोग जा चुके हैं और मैं नहाने रह गया, तो सब लोग मुझे छोड़ कर चले गए, तो अब चल कर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं बाड़ी में, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिया है। और दोस्तों मैं आज आपको मंदिर दिखाऊंगा कितना कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया है आधा, और वहाँ पर थोड़ा सा अभी काम बाकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर चलने में मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो चने यहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे हम बेर कहते हैं, बेर आप हिंदी में ही भी बेर ही कहते हैं इसे। और आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आए नहीं है, अभी यहाँ पर कच्चे हैं, अभी आ जाएंगे तो थोड़े दिनों के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि गांव में मेरा आना जाना रहता है। ठीक है, तो अब दोस्तों मंदिर पे जाकर मैं आपको मिलता हूँ और दिखाता हूँ कितना मंदिर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर आपने मंदिर वाला पहला व्लॉग नहीं देखा है, फर्स्ट वाला व्लॉग मैंने डाला था, तो व्लॉग आप देख लेना, चैनल के ऊपर है। तो दोस्तों मैं फाइनली मंदिर पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हो पीछे कि कितना मंदिर कंप्लीट हुआ है। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा काम बाकी है, तो मैं वो काम अभी कर रहा हूँ। और दोस्तों मंदिर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर पीछे कितना बन चुका है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी इस मंदिर की, तो देख लेना। और यहाँ पर आधा मंदिर कम्प्लीट हो चुका है, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ किस तरीके का बना है ये। तो यहाँ पर एक सीढ़ी लगाई गई है और ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर आधा यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर भी एक सीढ़ी है जो कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों सीधा यहाँ से मंदिर क्लियरली दिखाई दे रहा है। दोस्तों अंदर दिखा देता हूँ ये कितना बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ा ये बनाया गया है। और यहाँ पर भी सीढ़ी लगाई गई है ताकि यहाँ पर से कोई उतरना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से उतर सके। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर जंगल विस्तार है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी, यहाँ पर कोई गांव नहीं है, गांव भी यहाँ से बहुत दूर है, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में दिखाया था। और यहाँ से भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरीके का मंदिर बन चुका है और यहाँ पर ये बहुत बड़ा है, देख सकते हैं आप। अभी दोस्तों इसका काम चालू है, अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट होने ही वाला है, और पूरी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी व्लॉग आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ का काम खत्म हो चुका है और अब खाना बाना खाकर दोपहर के बाद आएंगे, तो अब जा रहे हैं हम घर पे। और काम करके काफ़ी मज़ा आया, और अब दोपहर के बाद आएंगे, थोड़ा बहुत काम बचा है, बाकी सब हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो काम का जोरों शोरों से चल रहा है अभी। और दोस्तों हम दोपहर के बाद आएंगे, शायद मैं शूट ना कर पाऊँ, लेकिन आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं काम में हूँ, बिज़ी हूँ। तो दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो गांव में सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये जो है बिल्कुल मज़ेदार नज़ारा है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो। दोस्तों कुछ भी कहो, गांव में मज़ा ही कुछ अलग है, यहाँ पर एकदम सुकून होता है, और सिटी में सब घोंघाट आवाज़ें सब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर सवेरे भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लगता है, और यहाँ पर आप शाम के वक्त देख सकते हो कितना अच्छा ही लग रहा है। तीसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, शानदार और मज़ेदार सुबह हो चुकी है अभी। और दोस्तों मैं दो दिन यहां पर, हमारे दो दिन हो चुके हैं गांव में, और दो दिनों में शायद मैं आपको सब कुछ दिखा नहीं पाया हूं, मैं जानता हूं थोड़ा बहुत आपने देखा है, लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ ऊंची जगह पर जाने का प्लान कर रहा हूँ ताकि वहाँ से गाँव आपको दिख सके कि यहाँ पर गाँव कैसा दिखता है ऊपर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे चाचा है, ये कहाँ पर चढ़ गए हैं बकरियों का चारा लेने के लिए, यहाँ पर अब उतर रहे हैं धीरे धीरे। चढ़ तो गए लेकिन मुझे लगता है उतरने में इनकी थोड़ी सी फट रही है। Thank you.
कुछ हाय बोल दो एक बार। हाय दोस्तों, ये मेरा कजन ब्रदर है और दोस्तों यहाँ पर बेर की वाड़ी में हम लोग आए हुए हैं और ज्यादा बहुत पके नहीं है, अभी कच्चे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़े बहुत यहाँ पर पक चुके हैं लेकिन अभी कच्चे हैं ज्यादातर। तो दोस्तों आप देख सकते हो गांव में मुझे एक कौन मिला, छोटा सा पप्पी, लेकिन दोस्तों भाग गया। चलो उसे परेशान नहीं करते। तो दोस्तों मैं फिलहाल निकल चुका हूँ किसी ऊंची जगह पे जाने के लिए, ताकि आपको वहाँ से हमारा गांव का व्यू दिखा सकूँ कि कैसा दिखता है गांव। दोस्तों वैसे तो गांव से बहुत मैं दूर हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको ठीक से गांव दिखाई दे, और शायद गांव ना भी दिखाई दे, फिर भी टेंशन मत लेना, व्यू ऊपर से बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, अगर आप सोच रहे हो तो, 3 लोग ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर पीछे रह गया हूँ, जल्दी से उनके साथ में भाग कर हो जाता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम आए हुए हैं 4 लोग, एक मैं, एक रोहित, एक नीलेश और एक शैलेश को तो आप जानते ही हो। दोस्तों ये रोहित मेरे चाचा का लड़का है और नीलेश को भी आप पहले देख चुके हो, वो ये भी मेरे चाचा का लड़का है, शैलेश मेरा भाई है। और अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊँचे ये पहाड़ जो है वो सबसे ऊँचा लग रहा है, इसके ऊपर जाने की सोच रहे हैं अभी, तो देखते हैं वहाँ पर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जा रहे हैं सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर, वो भी सबसे ऊंची ही थी लेकिन उससे ज़्यादा ये है, आप देख सकते हो तीनों पीछे आ रहे हैं मेरे साथ और मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ झुककर। दोस्तों ये पहाड़ी ऊंची है उससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इससे ज़्यादा पहाड़ी कोई भी ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची पहाड़ी पे है अभी हम लोग। और दोस्तों व्यू काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर पवन भी बहुत जोरों से चल रहा है। रोहित कैसा लग रहा है? इधर आने के बाद बहुत अच्छा लगा है। हाँ, और मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, दिख रहा है और व्यू भी अच्छे हैं। इस व्लॉग में मैं आपको एक अलग चीज दिखाना चाहूंगा, रोहित भाई को एक अलग टैलेंट है। रोहित भाई स्टार्ट कर दीजिए। अरे वाह क्या बात है भाई। दोस्तों अब देखो कैसे उतर रहा है। मुझे वापिस जा रहा है दोस्तों यहाँ से। मेरे ऊपर मत गिरना, उड़ा दूंगा। क्या भाई क्या मैं भी करूंगा एक बार, मैं इसके पीछे पीछे जाने वाला हूँ रोहित के पीछे। फाइनली दोस्तों गांव से मैं राजकोट आ चुका हूं। दोस्तों गांव में बहुत मज़े किए लेकिन ज़्यादा शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो दोस्तों फाइनली मैं राजकोट आ चुका हूं और जानता हूं कि पूरा गांव में आपको नहीं दिखा पाया हूं, लेकिन गांव में मेरा आना जाना रहता है तो किसी और व्लॉग में हम पूरा गाँव में आपको दिखा दूंगा। यहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम था तो मैं आपको दिखा नहीं, और यहाँ का मौसम देख सकते हो कैसा हो चुका है, और गाँव से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। दोस्तों ऐसा मौसम जो आप देख सकते हैं ऐसा कभी कभी होता है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ठंड के कारण ये हो रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मेन चैनल है डिजिटल अल्पेश और दोस्तों वैसे मैं कॉलेज भी करता हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे ब्लॉग शूट करने का। तो आपको कभी कभी ब्लॉग देखने को मिलेंगे और मिलेंगे तो बहुत ही बेहतर मिलेंगे, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाने का मैं ट्राई करता हूँ। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।